हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु संधू रितु बुटीक में आपका वेलकम करती हूँ। और आज की जो वीडियो है वो कुछ पाकिस्तानी स्टाइलिंग के जो सूट्स होते हैं उन पे जो डिज़ाइनिंग हमने की है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। कुछ जैसे पाकिस्तानी सूट्स में पैच वर्क होते हैं, मीन्स पैचेस आते हैं और बॉर्डर्स वगैरह आते हैं, वो मैंने यूज़ करके तो उन सूट्स के ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट सूट है ब्लैक कलर का। इसमें हमने लेसेस के साथ डिज़ाइनिंग करी है लेंथ को एक्सटेंशन देने के लिए। यहाँ तक वर्क था इसका घेरे का, और इसमें मैंने लेस लगा के इसको लेंथ को इंक्रीज़ किया है। ये दो लेसेस आपस में मैंने ज्वाइन करी है, उसके बाद ये बॉर्डर दिया है और फिर से दो लेसेस और ऐड करके मैंने लेंथ को पूरा किया है। तो इसमें बॉर्डर्स होते हैं और लेंथ थोड़ी शॉर्ट होती है, तो ये हमें इसको सेट करना पड़ता है। फ्रंट घेरा और बैक का घेरा भी मैंने ऐसे ही रेडी किया है लेसेस के साथ एक्सटेंशन देके, और इस तरह से ये ब्लैक लेस वर्क हो गया और नीचे भी ये लेसेस हो गई। स्लीव्स पे हमने सिर्फ लेसेस ही दी हैं, वर्क वाली स्लीव्स थी इसमें, और एक लेस लगाई जो कि मैंने घेरे पे भी लगाई है, और एक लेस और इसके साथ ज्वाइन करके ये दो लेसेस मैंने स्लीव्स पे ऐड करी हैं। नेक पे हमने ब्लैक एक क्लॉथ यूज़ किया है वी नेक के साथ, और उसी पैच के साथ, ब्लैक पैच के साथ मैंने रेड लेस मैरून लेस यूज़ करी है किनारे पे दोनों साइड्स पे, और सेंटर पे एंकरिंग करके जो कलर्स इस पे सूट्स पे थे मैरून और सी ग्रीन, दो कलर्स यूज़ करके सेंटर में पैच प्लेन पैच के ऊपर एंकरिंग कर दी हमने। लोअर पे हमने बॉर्डर्स दिए हैं इस पे और साथ में लेस लगा के इंसर्ट कर दिया ब्लैक कलर की लेस को, और नीचे हमने इसमें बॉर्डर्स दे दिए। ये फुल सूट हमने लाइनिंग वाला ही बनाया है, ब्लैक कलर थोड़ा ट्रांजी होता है। दुपट्टा हमने इसके साथ प्योर शिफॉन का था तो उसके ऊपर हमने मैरून लेस लगाई है, और जो इस तरह से इसके ऊपर सूट के ऊपर आएगी तो बहुत ही प्यारी सी लुक देगी। लेसेस के साथ पाकिस्तानी सूट्स बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये लेस मैंने ब्लैक कलर ब्लैक दुपट्टे के ऊपर मैरून लेस फोर साइड लगाई है। ये नेट हमारी ऑर्गेन्जा वाली नेट है। इस तरह से डिज़ाइंस एक्सटेंशन वाले लेसेस के साथ हम रेडी पहले भी करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। नेक्स्ट एक सूट है, इसमें हमने लेसेस के साथ बॉर्डर ऐड करके लेंथ को पूरा किया है। ये भी पाकिस्तानी स्टाइलिंग का ही सूट है, कॉटन का सूट है, और लेसेस लगा के हमने इसके साथ लेंथ को पूरा किया है। घेरे पे ये बॉर्डर यहाँ तक था, लेंथ हमें नीडेड थी और चाहिए थी हमें, तो इंसर्ट करके हमने बॉर्डर लगाया जो कि साइड्स में दिया होता है इन सूट्स पे। फ्रंट घेरे पे ये लेस लगाई मैरून कलर की, और ऐसे ही बैक घेरे पे भी हमने लेस लगा के लेंथ को लंबा कर लिया। फ्रंट और बैक घेरा हो गया। स्लीव्स पे हमने सिर्फ लेस छोटी सी जो कि घेरे पे यूज़ करी है वो लगाई है। नेक पे हमने पाइपिंग दे दी। बैक सिंपल ही रखा है, शॉर्ट नेक है 2.5 तक। प्लाजो में हमने बॉर्डर लगा के साथ में इंसर्ट कर दी मैरून लेस, और नीचे जो हमने घेरे पे लगाई थी वो लेस हमने इसके साथ ऐड कर दी। दुपट्टे पे हमने ग्रीन कलर के टैसल्स दिए हैं। दुपट्टा इसका कुछ ग्रीन कलर में था तो ग्रीन कलर के टैसल्स हमने इसके किनारे पे दे दिए, टू साइड्स में दे दिए जो छोटे साइड्स होते हैं। तो इस तरह से ये ग्रीन मैरून और जो लाइट सा ग्रेइश स्काई ब्लू ग्रे था, इसके साथ हमने ये टैसल के साथ दुपट्टा रेडी कर लिया है। इस पे हमने लेसेस नहीं दी दुपट्टे पे, सिर्फ टैसल्स ही दिए हैं। नेक्स्ट हमने एक पाकिस्तानी सूट जो था वो शिफॉन मटेरियल में है, और उसको भी हमने कुछ लेसेस और बॉर्डर्स के साथ सेट किया है, और क्योंकि इनमें भी हमें लेंथ की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ये शॉर्ट होते हैं और शिफॉन वाले सूट्स, तो इन पे भी हमने कुछ लेसेस लगाई हैं और कुछ पैचेस जो ऑलरेडी इन सूट्स के साथ आते हैं उनको यूज़ किया है। यहाँ तक पूरा फैब्रिक में वर्क था जो कि बहुत शॉर्ट था, और उसके बाद ये वाला एरिया प्लेन था, इसमें मैंने लेसेस दो ऐड कर दी जो कि सिमिलर हैं। ये बॉर्डर उनके आए हुए थे,
ये बॉर्डर हमने नीचे एक्सटेंशन की तरह यूज़ किया और इतनी लेंथ हमने कवर करी है। और साथ में हमने ब्लू कलर, पिकॉक ब्लू कलर की बारीक वाली लेस चारों चाकों पे दी है और साथ में घेरों पे दी है। यही पार्ट हमने बैक में भी रेडी किया है, सेम शिफॉन फैब्रिक के ऊपर ही लेसेस हैं क्योंकि ये इसके साथ ही था, और नीचे हमने ये बॉर्डर एक्सटेंशन में लगा दिए। नेक पे भी हमारे को कुछ पाइपिंग की ज़रूरत थी तो हमने बारीक वाली लेस ही गले पे लगाई है और नेक शॉर्ट ही रखा है क्योंकि थोड़ा शॉर्ट ही इसका गला बना हुआ था, इस तरह से वर्क था। बॉर्डर और आए हुए थे हमारे पास और स्लीव्स की लेंथ भी कम हो रही थी तो स्लीव्स का वर्क था यहाँ तक और ये हमने बॉर्डर्स लगा दिए। इस बॉर्डर को हमने बीड्स के साथ अटैच किया है और ये टर्न करके हमने अलग अलग छोटे छोटे कट्स को टर्न किया है। टर्न करके मीन्स फिनिशिंग देके उसको फिर ऐड किया है, पूरा कट्स को हमने फिनिश किया है पहले और उस कट के साथ बीड्स लगा के ये बॉर्डर अटैच कर दिए। तो बहुत ही बारीक काम होता है, मेहनत वाला काम होता है, तो ये बॉर्डर्स को हमने बीड्स के साथ इसमें ऐड कर दिया। घेरा और स्लीव्स लोअर पे हमने इसमें बॉर्डर्स लगाए हैं जो कि इसके साथ ही आए हुए थे, नीचे हमने इसको लेंथ में लटका दिया है। और दुपट्टे पे हमने इसके जो कि पिकॉक कलर का था, पीच कलर की बहुत ही बारीक सी लेस इसके साथ चारों तरफ लगा दी है। एक शिफॉन का इसी तरह का एक सूट और था, उसमें भी बॉर्डर्स आए हुए थे। शिफॉन के सूट्स में हम टाफ्टा की लाइनिंग ऐड करते हैं जो कि उसको सपोर्ट देता है शिफॉन को। हमारा वर्क यहाँ तक था और फिर हमने लेस लगाई इस पे मैरून कलर की इंसर्ट वाली। ये बॉर्डर चौड़ा था सो मैंने इसको हाफ हाफ किया है जो कि मैंने फ्रंट पे लगाया है और इसी हाफ बॉर्डर को मैंने बैक में लगा दिया इंसर्ट करके, फिर एक और इंसर्ट कर दिया मैरून कलर का और ये बॉर्डर मैंने नीचे हैंग कर दिया। तो इस तरह से हमारी ऑलमोस्ट 5-6 इंच के करीब ये लेंथ नीचे एक्स्ट्रा हो गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, उतनी हो गई। उसके बाद भी कुछ वर्क, बॉर्डर का जो वर्क था थोड़ा बचा हुआ वो मैंने नेक के ऊपर यहाँ ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे भी एरिया प्लेन था इसका, तो वो भी हमने यहाँ पे नेक पे पैच वर्क करके इसके साथ मैचिंग करके नेक को थोड़ा सा बड़ा किया और लेंथ को भी सेट किया इसके साथ ही। स्लीव्स पे हमने सिर्फ लेसिंग दी है, वर्क इस पे था पूरा तो सिर्फ हमने इस पे मैरून कलर की लेस ऐड करी है। लोअर पे भी हमने लेसेस और इंसर्शन करी है, लेंथ वाइज लटका दिया और बीच में इसको हमने मैरून कलर की लेस को ऐड कर दिया। दुपट्टे पे हमने जो कि बनारसी स्टाइल का और गेंजा बनारसी दुपट्टा है और उस पे हमने फोर साइड मैरून कलर की ये वाली लेस लगा दी। पाकिस्तानी में ही कॉटन सूट्स हैं, होते हैं उन पे पैच वर्क आता है, पैच वर्क होते हैं उसमें जो पैचेज आते हैं वो यूज़ करने होते हैं। इस सूट में भी हमने लेंथ को ही मेनली बड़ा किया है, इसकी लेंथ भी ऑलमोस्ट 47 हमें रिक्वायर्ड थी लेकिन लेंथ हमारी यहाँ तक आ रही थी 42-43 के करीब। यहाँ पे बॉर्डर कुछ ब्लैक ब्लैक प्लेन था सो मैंने ये बॉर्डर्स टर्न करवा के नीचे मैंने ऑर्गेंजा लगवा दी इसके साथ और साथ में मैंने ये ब्लैक लेस लगवा दी सो दैट पूरा ये प्लेन ऑर्गेंजा के साथ और ये लेसिंग के साथ ये इस तरह से इसकी लुक आई है। फ्रंट और बैक दोनों हमने ऐसे ही रेडी किए हैं लेंथ को पूरा करने के लिए। इसमें हमने बैन वाला नेक रखा है और स्लीव्स पे हमने सिर्फ लेसिंग दी है, इस पे हमारे पास पैचेस नहीं थे। और ट्राउज़र पे साइड में से बॉर्डर निकला वो हमने पूरी लेंथ वाइज बॉर्डर यूज़ किया है ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो भी एक अलग स्टाइल हो गया और साइड में हमारा बॉर्डर नज़र आएगा साइड से, जो इस साइड से शर्ट के साइड से हमारा बॉर्डर नज़र आएगा। और नीचे हमने एक बहुत बारीक सी लेसेस के साथ ऐड कर दिए। दुपट्टे पे हमने लेसेस लगाई हैं फोर साइड, वो भी ब्लैक कलर की ही हैं और इस तरह से ये सारा हमारा लेसेस के साथ ही ये सूट रेडी हुआ है पाकिस्तानी स्टाइल में। नेक्स्ट
इसमें पैचवर्क करे हैं हमने पाकिस्तानी सूट्स में, बड़े बड़े पैचेस आए हुए थे, तो दो पैचेस हमने साइड पे यूज़ किए। लेंथ का इसमें भी इश्यू हो रहा था, हमने मस्टर्ड कलर के साथ इसको एक्सटेंशन दे दी, इंसर्ट किया और बॉर्डर नीचे लगाया और एक लेस और लगा दी साथ में। फ्रंट और बैक हमने सेम ही किए हैं इसके साथ। नेक पे भी हमने पैचवर्क कराया है, ये पैचवर्क सारा हमने मशीन के साथ करवाया है और बड़ी ही फिनिशिंग के साथ ये पैचवर्क हुआ है। स्लीव्स पे भी हमने ऐसे पैच दिया है इसमें आगे वर्क करके पैच मशीन के साथ। नेक और स्लीव्स पे हो गया पैच और साइड्स पे हो गया इसके पैच। लोअर पे हमने सेम स्लीव्स वाला जो वर्क आया हुआ था वही हमने इस पे पैचवर्क करवा दिया। दुपट्टे पे हमने फोर साइड लेसेस लगवा दी, मस्टर्ड कलर की लेस फोर साइड दुपट्टे पे इसके साथ लगा दी हमने। इसी तरह का एक पैचवर्क वाला सूट, सॉरी इसमें पैचवर्क नहीं है, इसमें हमने लेंथ को ही एक्सटेंड किया है, लेसेस के साथ किया है। इसमें घेरे में टू टाइप्स की हमने लेसेस यूज़ करी हैं, एक नेट की लेस है और एक दूसरी सिंपल जो लेस होती है वो यूज़ करी है। वर्क हमारा यहाँ तक था प्रिंटिंग वाला, यहाँ पे हमने लेस लगा दी बारीक सी ब्लैक कलर की। उसके बाद हमने एक नेट की लेस ली और वो हमने यहाँ तक लगाई और उसके नीचे हमने एक जॉइन करके ब्लैक लेस और लगा दी और इस तरह से ये डबल इफ़ेक्ट आ गया पिंकिश और ब्लैक कलर का, और ये ओवरलैपिंग हो रही है इसके साथ ये वाली लेस। और फ्रंट और बैक का घेरा हमने सेम ही रखा है ऐसे ही लेसेस के साथ ही, और स्लिट्स पे हमने बारीक वाली लेस लगा दी, चारों स्लिट्स पे लगा दी। गले को बिल्कुल ही सिंपल रखा हुआ है बिकॉज ये बना हुआ था गला। स्लीव्स पे भी हमने ऐसे ही लेसेस दी हैं जो घेरे पे दी थी हमने, लेस और नेट वाली लेस और एक और दूसरी लेस। लोअर पे हमने नेट की लेस लगाई है सिर्फ और साथ में एक बारीक लेस दी है जो हमने उसके साथ भी ऐड करी है स्लीव्स पे और घेरे पे। दुपट्टे पे हमने थिन वाली लेस फोर साइड ब्लैक कलर की इसके साथ दी है, तो ये भी बहुत डिफरेंट सा बना है। ये भी पाकिस्तानी स्टाइल का ही सूट है, इसमें भी हमने बॉर्डर को एक्सटेंशन के रूप में यूज़ किया है और साथ में इंसर्ट किया है इसमें लेस को। साइड में इनके बॉर्डर्स होते हैं, यहाँ तक लेंथ थी इसमें, लेस इंसर्ट करी लाइट पर्पल कलर की और साथ में हमने बॉर्डर को नीचे हैंग कर दिया और साथ में इसमें रेड कलर की लेस लगा दी। फ्रंट और बैक का घेरा हमने सेम रखा है। नेक बना हुआ था वर्क वाला एम्ब्रॉयडरी के साथ। स्लीव्स पे हमने बॉर्डर को नीचे लगा दिया लेसेस के साथ रेड और लाइट मोव कलर की। प्लाजो पे भी हमने इसी तरह से लेसेस लगाई हैं, लाइट पर्पल कलर की लेस है और साथ में रेड लेस है, इसमें रेड कलर आ रहा था बीच में। दुपट्टे पे वर्क था टू साइड्स और दो शॉर्ट साइड जो होते हैं उसमें वर्क नहीं था, तो ये वाइन पर्पल कलर की लेस हमने टू साइड्स पे इस पे लगा दी। इस सूट में भी पैचेस आए हुए थे, बड़े बड़े पैचेस थे इसमें, तो दो पैचेस हमने यूज करे हैं इस पे, एक साइड पे और जो कि वेस्ट लाइन से स्टार्ट होकर नीचे घेरे तक आया है, और दूसरा भी स्लिट से घेरे तक आया है, इसको भी मशीन के साथ पैचवर्क कराया है हमने। यहाँ पे लेंथ का फिर से इश्यू हो रहा था, इन्होंने ये ऑर्गेन्जा लेस वर्क वाली दी हुई थी हमें, यहाँ पे हमने प्रिंटिंग के ऊपर ही हमने इसको लगा दिया और नीचे बॉर्डर जो साइड में दिए हुए थे वो भी हमने इसके साथ नीचे हैंग कर दिए, और साथ में हमने चारों स्लिट्स पे और घेरे पे भी हमने बारीक वाली वाइन सी शेड की लेस इस पे लगा दी आगे और पीछे दोनों तरफ। ऐसे ही ये दोनों तरफ हमने बॉर्डर को नीचे हैंग किया है। घेरे पे दो पैचेस और गला भी हमने पैचवर्क करवाया है, बैन वाला गला है,
और स्लीव्स पे हमने सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग दी है, थोड़ी लूजर स्लीव्स बनाई हैं इसकी। ट्राउज़र पे इसके ऑर्गेन्जा पे वर्क वाला वर्क बॉर्डर आया हुआ था वो हमने नीचे ट्राउज़र पे लगा के साथ में हमने लेस को लगा दिया। दुपट्टे पे हमने थिन वाली बारीक सी लेस फोर साइड हमने इस पे बॉर्डर पे लगा दी, दुपट्टे के बॉर्डर पे यूज़ कर ली। एक ही सूट अनारकली क्रेप फैब्रिक के ऊपर हमने पहले भी रेडी किए हुए हैं इस टाइप के सूट्स, ये फिर से ऑर्डर था। तो इसमें हमने जरी वाला जो सोना चांदी जरी वाला गोटा आता है वो हमने यूज़ किया था, बहुत फाइन होता है ये वाला गोटा, बहुत शाइन होती है इसमें। तो ये गोटा हमने नीचे यूज़ किया, दो स्मॉल ऊपर यूज़ करे हैं इसके साथ। इसके साथ बनारसी दुपट्टा है, स्लीव्स पे भी हमने ऐसे यूज़ किया है इसको, बैक में हमने डोरी लगाई है, फ्रंट पे पाइपिंग के साथ पोटली दिए इसके साथ। जो सूट मैंने आज डाला हुआ है उसको भी मैंने कुछ पाकिस्तानी स्टाइल के साथ ही रेडी किया है। स्लीव्स पे मैंने डोरी के साथ ये सर्कल सेमी सर्कल रेडी किए हैं मैरून कलर और ब्लैक कलर के साथ, साथ में साइड पे बॉर्डर थे वो मैंने यहाँ यूज़ किए, स्ट्रेट लाइन इंसर्ट करी और ट्रायंगुलर शेप में मैंने ये इंसर्ट करी है लेसेस स्लीव्स पे। घेरे पे भी मैंने इसी तरह से बॉर्डर लगा के साथ में ये रिंग स्टाइल में डोरी को यूज़ किया है। कली स्टाइल में मैंने यहाँ पे लेस इंसर्ट की है फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे, बॉर्डर दोनों तरफ हैं इसके। गले पे मैंने मार्केट से लेस परचेज करके बीड्स वाली वो लगाई है और वही लेस मैंने सलवार के नीचे भी यूज़ करी है और साथ में दो लेसेस और यूज़ कर ली, स्ट्रेट सलवार बनाई है पाकिस्तानी लुक के साथ। दुपट्टे पे हल्की सी मैंने बीडिंग दे दी ब्लैक कलर की थिन थिन वाली। तो कैसे लगे आज के डिज़ाइंस, आपको कैसे लगे वो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी बहुत जल्दी जल्दी आएगी तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे डिज़ाइंस के बारे में हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।